डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का मतलब जब वर्ड कभी भी डैम्पिंग आ जाए इसका मतलब एनर्जी का लॉस। जैसे सपोज करो हमने जितने भी SHM किए, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम है चाहे पेंडुलम है, उस वो हमने ऐसे किए, ये पेंडुलम है 10 सेंटीमीटर इधर गया, ये मीन पे आया 10 सेंटीमीटर इधर गया, फिर मीन पे आया 10 इधर आया, फिर वापस आया 10 इधर आया, सारी उम्र वो 10-10 करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमने कभी एयर की रेजिस्टेंस को कंसिडर किया ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आप पेंडुलम को 10 सेंटीमीटर लेके जाओ, फिर अगले चक्कर में वो 8 पे आ जाएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगा, करते 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 वो रेस्ट पे आ जाएगा। एक्चुअल पेंडुलम ऐसे होते हैं, क्यों क्यों? क्योंकि एयर की क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्सेस को आप कंसिडर करें तो उनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, और जब फ्रिक्शन की, एयर के फ्रिक्शन या सिस्टम की फ्रिक्शन को कंसिडर ना करें उसको अनडैम्प्ड बोलते हैं। तो हमने जितने भी SHM अभी तक किए वो सारे के सारे क्या है, अनडैम्प्ड है, जिसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं है। हम जो आज स्टडी करेंगे वो डैम्प्ड होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब आपने फ्रिक्शनल के लॉसेस को, एयर के रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इसमें क्या बता रखा है कि डैम्पिंग में अराइज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा। तो डैम्पिंग क्यों होती है, एनर्जी का लॉस क्यों होता है, या एम्पलीट्यूड का लॉस क्यों होता है? एम्पलीट्यूड हर चक्कर में कम 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 होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस वगैरह इसमें प्रेजेंट होती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, डैम्पिंग फोर्स इज फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द सिस्टम एंड इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो ये रूल है कि जो भी एयर की फ्रिक्शन है या जो भी डैम्पिंग की जो फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स है वो बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब वो अपोजिंग फोर्स है। जितनी तेज पेंडुलम या कोई भी बॉडी SHM में मूव करेगी एयर की रेजिस्टेंस उतना ही उसके ऊपर काम करेगी। स्पीड स्लो होगी, एयर की रेजिस्टेंस कम लगेगी। स्पीड ज्यादा होगी, एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी किया था लिक्विड्स में, F = 6πηRV। तो जितनी तेज फेयर नीचे गिरेगा अपोजिंग फोर्स पानी की उतनी ज्यादा। तो मीडियम की जो फोर्सेस होती हैं हमेशा जो डैम्पिंग प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी का लॉस प्रोड्यूस करती हैं, वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं। तो ये सेकंड रूल है इसका। नेक्स्ट है, ऐसे जब ये फोर्स एक्ट करेगी, एयर की रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, तो उस केस में एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय द डैम्पिंग फोर्स। तो ऐसे केस में नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि एयर की जो अपोजिंग फोर्स है वो नेगेटिव वर्क डन करेगी और उससे क्या होगा, आपका एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक। और बॉडी थोड़ी देर में किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, अगर आपने डैम्पिंग को कंसिडर किया तो। नेक्स्ट है, डैम्पिंग अगर आप कंसिडर करते हैं तो SHM की इक्वेशन क्या ली जाएगी, ध्यान से देखें। जब हमने डैम्पिंग कंसिडर नहीं की थी तो SHM की क्या इक्वेशन थी, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। मान लो रिस्टोरिंग फोर्स है कितनी, माइनस के एक्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स, तो आपकी जो या आप ऐसा कर सकते हो कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो हमने किया था ये, जब SHM हमने किया और फ्रिक्शन के लॉसेज हमने तो कंसिडर किए नहीं, तो हमारी जो SHM की इक्वेशन थी वो ये थी, मास इंटू डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बात खत्म। लेकिन अगर डैम्पिंग है तो एक और अपोजिंग फोर्स इस पूरे सिस्टम पे काम करेगी जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी इंटू वी। तो आपने SHM की इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पर माइनस बी इंटू वी भी कंसिडर करना है। तो अब आपके पास कुल मिला के दो फोर्सेस हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है। तो आपकी SHM की इक्वेशन क्या तैयार हो गई, आपकी SHM की इक्वेशन तैयार हो गई। तो पहले SHM की इक्वेशन में ये टर्म नहीं होती, और बी का मतलब यहाँ पर मीडियम का कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा डैम्पिंग ज़्यादा होगी, बी हाई होगा मीडियम का, और मीडियम में अगर डेंसिटी कम होगी या फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी तो बी उसका कम होगा, और अगर मीडियम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ही नहीं कर रही तो बी उसका क्या होगा, जीरो होगा, फिर डैम्पिंग नहीं होगी। क्लियर है, बी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये SHM की इक्वेशन है विद डैम्पिंग। अब एक चीज समझो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी जो SHM की इक्वेशन है जो हमने की थी बिना डैम्पिंग के, SHM की इक्वेशन थी A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन थी, या फिर इक्वेशन थी A की जगह क्या लिखेंगे, dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें। तो ये एक इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है, और ये बनी कहाँ से थी, वो यहाँ से बनी, और ये कहाँ से बना था, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी को दो बार डिफ्रेंशिएट करके A आया था,
फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी SHM की, याद करो, राइट। तो हमें सीधा काम करना आता है। सीधा काम मैं किसे बोलता हूँ कि मैं आपको y दूंगा, आप दो बार डिफरेंशिएट करके a निकालें और SHM की इक्वेशन तैयार है। लेकिन हमें उल्टा काम नहीं आता कि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दूं और फिर आपसे ये पूछूं इस इक्वेशन को देखते हुए y बताओ क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इक्वेशन है, इसको देखते हुए बताओ y क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ब्रांच है कैलकुलस, कैलकुलस मैक्सिमा मिनिमा सिखाती है, डिफरेंशिएशन सिखाती है, इंटीग्रेशन सिखाती है, और एक और चीज सिखाती है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैथ्स में, हायर मैथ्स में स्टडी करवाया जाता है कि अगर कल को कोई मैथ्स के स्टूडेंट को ये इक्वेशन दी जाए, वो आपको ये निकाल के दिखा देगा, ठीक। इंटीग्रेट करना कुछ नहीं है, करनी इसमें इंटीग्रेशन ही होती है। एक सेकेंड, तो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करें ऑन सॉल्विंग, अब वो मैं पार्ट मिस कर रहा हूँ मैथ्स का, हाउ टू सॉल्व ये तो सिखा नहीं, ना कोई किताब सिखाएगी आपको। तो ऑन सॉल्विंग सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, आपकी ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये इक्वेशन है SHM की विद डैम्पिंग, तो आपने याद करनी है। इसके अंदर ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ, ये देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, चेंजिंग एम्पलीट्यूड है, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी चीज, जब एक पेंडुलम, आप ये देखें, जब एक पेंडुलम जो बिना डैम्पिंग के मूव करता है, बिना डैम्पिंग के, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। तो बिना डैम्पिंग के जो भी पेंडुलम मूव करेगा किसी भी ओमेगा के साथ, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब वो ओमेगा जब डैम्पिंग प्रेजेंट नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो जाएंगे इसमें। तो इसमें ओमेगा की जगह हमने क्या किया, ओमेगा डैश, तो ओमेगा से ओमेगा डैश हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ए नॉट से ई हो जाएगा। तो स्टेप्स क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद करें प्लीज, इसको बॉक्स में डालें। एम्पलीट्यूड इज ए नॉट, ए नॉट का मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पहली बार जो पेंडुलम गया था या स्प्रिंग मास सिस्टम ने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर किया था, वो ए नॉट है। तो ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई टू है, बी का मतलब मीडियम का कॉन्स्टेंट है, टी इंस्टेंटेनियस टाइम है और एम मास ऑफ पार्टिकल है। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आएगा और 99% चांस है आपके किसी भी कंपटीशन में इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू भी प्लीज नोट करें, ओमेगा का फॉर्मूला ये नोट करें प्लीज, ओमेगा डैश की डैम्पिंग के साथ जो ओमेगा डैश होगा वो इसके इक्वल होगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट का मतलब है अंडर रूट ऑफ के बाई एम एंड इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा नॉट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा डैश नई फ्रीक्वेंसी है विद डैम्पिंग, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के ऊपर के साथ कैसे रिलेटेड है, ओमेगा डैश इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। अब आप ये सोचें अगर डैम्पिंग नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, जीरो, बी जीरो पुट करते ही ओमेगा नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, तो फ्रीक्वेंसी फिर से क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फॉर्मूला याद हो गए। तो पहला फॉर्मूला क्या है एम्पलीट्यूड का और दूसरा फॉर्मूला क्या है ओमेगा डैश का। तो ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे और जो मैंने सुनाया कुछ नहीं आएगा आपको इसमें। तो दो फॉर्मूलाज क्लियर है यहां तक, ठीक। अब वो क्या कह रहा है इसमें, इसमें स्पेशल केस है फॉर स्मॉल बी, अगर मान लो बी छोटा है किसी मीडियम का
यानी कि डैम्पिंग कमजोर है, कम है, तो बी अप्रोक्सीमेटली जीरो पुट करते हुए ओमेगा डैश और ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ के बाय एम आ जाएगा। इसको उड़ा दिया आपने तो अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो आपका ओमेगा डैश नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा। ठीक, तो ऐसे केस में तो वो कह रहा है जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा विद ऑलमोस्ट दी नेचुरल फ्रिक्वेंसी व्हेन देयर वाज नो डैम्पिंग। तो अगर बी जीरो होगा तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी अटेन कर लेगा। तो एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया, और ये देखो इसके अंदर एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ज्यादा है फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर जीरो। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डैम्पिंग प्रेजेंट है। ठीक, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। अब वो कह रहे हैं इफ डैम्पिंग इज लार्ज, मान लो डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, आपने पानी जैसा, पानी से भी डेंस मटीरियल ले लिया, इतना डेंस ले लिया जैसे शहद ले लिया, उसके अंदर पेंडुलम मूव या स्प्रिंग मास सिस्टम मूव करवाना है, ठीक, इतनी डैम्पिंग है, तो डैम्पिंग अगर बहुत ज्यादा है सिस्टम में नॉट ऑसिलेट, भाई आपका सिस्टम हिले ही ना हो सकता है। शहद के अंदर स्प्रिंग मास सिस्टम लोगे तो क्या ही सिस्टम को हिला लोगे, ठीक है, वो हिले ही ना। इफ डिस्प्लेस, चलो जबरदस्ती अगर आप हिला भी देते हो अंदर, तो उससे उसके बाद क्या होगा, इट विल गो टुवर्ड दी मीन पोजीशन। स्प्रिंग मास सिस्टम मान लो एक डेंस मीडियम में लिया, वो आप खिसका तो दोगे और वो मास धीरे धीरे अपनी मीन पोजीशन पर वापस भी आएगा, पर कभी मीन पोजीशन को आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे पेंडुलम जाता है मीन पोजीशन क्रॉस करता है वो आगे चला जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, जाएगा मीन पोजीशन में धीरे 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 आके रुक जाएगा, अपने आप आगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो वो यही समझा रहा है, अगर डैम्पिंग बढ़े और इफ डिस्प्लेस्ड इट विल गो टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड स्टे देयर विदाउट ओवर शूटिंग ऑन द अदर साइड, तो दूसरी साइड पे ओवर शूट नहीं कर पाएगा। ठीक, द डैम्पिंग फॉर विच ऑसिलेशन जस्ट सीजेज इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। आपने इतनी डैम्पिंग कर दी, इतनी डैम्पिंग कर दी कि अब आपकी ऑसिलेशन चल ही नहीं पा रही, स्प्रिंग मास सिस्टम मूव ही नहीं कर पा रहा, तो कौन सी डैम्पिंग हो गई, क्रिटिकल डैम्पिंग है। बस अब क्रिटिकल आपने क्रॉस कर दी है, अब डैम्पिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा, बस ये याद रखना है। तो ये आपकी जो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस है।